खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। बड़ी खबर, आडवाणी की सीट से अमित शाह अब चुनाव लड़ेंगे, यानी गांधीनगर से अमित शाह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आडवाणी का टिकट यहां से कट चुका है। तो जो ये लिस्ट सामने आई है, जिसमें तमाम नाम सामने आए हैं, उससे ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि लालकृष्ण आडवाणी इस बार नहीं है चुनावी मैदान में। पीएम मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गांधीनगर से आडवाणी की जगह अमित शाह इस चुनावी समर में हैं। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, लेकिन बेटे दुष्यंत को झालावाड़ से टिकट मिला है। यह भी एक अहम बात निकलकर सामने आ रही है इस लिस्ट से। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां से कर दिया गया है। 5 सीटों पर उम्मीदवार यहां पर यूपी में बदल दिए गए। इसके अलावा 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और यूपी के कैराना और बुलंदशहर नगीना की बात करें, यहां के उम्मीदवारों पर पेंच फंसा हुआ है और इसीलिए उनका ऐलान नहीं किया गया। यूपी के मौजूदा जो 6 सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनके टिकट कटे हैं। 4 एससी और 2 ओबीसी समुदाय के लोगों के टिकट कटे हैं। मुंबई की बीजेपी कोटे वाली 3 में से 2 सीटों का ऐलान किया गया है, लेकिन किरीट सोमैया के नाम का जहां से ऐलान होना था, जो संभावित नाम था, वो अब तक ऐलान नहीं हो पाया है। बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, लेकिन स्टेट कमेटी नाम जारी करेगी, यानी जब एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा तो साथ साथ ये ऐलान भी होगा। दिल्ली से इन नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो बीजेपी की पहली लिस्ट और इससे जुड़ी ये तमाम बड़ी बातें नजर आ रही है रूबिका। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अखिलेश ने आपको वो सारी बड़ी बातें बताई है। पहली लिस्ट की खबर आपको जाननी चाहिए, उससे पहले ये जानना चाहिए कि क्यों हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि एबीपी मतलब इलेक्शन, एबीपी न्यूज मतलब इलेक्शन, क्योंकि आपको 2 दिन पहले ही हमने उन तमाम बड़े नामों का के बारे में बता दिया था जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिनकी संभावना है चुनाव लड़ने की। और आज कमोबेश वो सारे नाम उस पहली लिस्ट में बीजेपी के मौजूद थे। उत्तर प्रदेश 28 में से 26 जो सांसद जीते हैं उनमें से भी 6 के टिकट काट दिए गए, लेकिन ये जो पहली लिस्ट में बड़े नाम है वो आपको बताना जरूरी है। पहली लिस्ट में नाम नहीं है लालकृष्ण आडवाणी का, पहली लिस्ट में नाम नहीं है मुरली मनोहर जोशी का, पहली लिस्ट में नाम है अमित शाह का, जो आडवाणी की सीट गांधीनगर से लड़ेंगे, पहली मर्तबा वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है और ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। और वो महत्वपूर्ण बात इस तस्वीर के साथ आप समझिए, लेकिन एक बार क्लियर कर दूं, ये जो हरे रंग का आप सर्कल देख रहे हैं या हाफ सर्कल देख रहे हैं, ये एबीपी न्यूज ने नहीं चलाया, ये हूबहू हमने तस्वीर ली है सोशल मीडिया में जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आपको समझाने के लिए 1991 की तस्वीर, अमित शाह एकदम तीसरी पंक्ति में आपको नजर आ रहे, तीसरी पंक्ति के नेता हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी अपना पर्चा भरने के लिए आए थे अहमदनगर सीट के लिए। अब ये स्वैप हो गया है, एल के आडवाणी की जगह अमित शाह है। अब ये सारे बड़े नाम जिनके नाम का ऐलान तो उम्मीद की जा रही होगा लेकिन हुआ नहीं, यूपी के 6 सांसदों का टिकट कट गया है और इसमें से आपको बता दें एक मंत्री भी है, संभल से सत्यपाल सैनी है, परमेश्वर सैनी इनकी जगह, इनको टिकट दिया गया। आगरा से रामशंकर जो है उनका टिकट काट दिया गया, रामशंकर कटेरिया का, उसकी जगह एसपी सिंह वाघेला को टिकट दिया गया। फतेहपुर सीकरी से बघेल को टिकट दिया गया, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाला हेमा मालिनी टिकट मिल गया है, पहले ही ऐलान कर दिया था। सुनिए, मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊं, मेरे से बहुत बोलते रहते थे आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इस बार आई हूं वापस, मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं मान लीजिए अच्छी नेता है पर पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन इस बार आपने दोबारा टिकट देकर ये साबित कर दिया कि अब आप एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हो गई हैं। हाँ जी, मैं जो हूँ मैं हूँ, इसके लिए कुछ यहाँ पे राजनीति में आया तो मैं अपने आप को कुछ चेंज करके मैं बदल के कुछ करना मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल वे में मैं जो काम कर रही हूँ उसे मेरे ख्याल में
यहाँ के लोग पब्लिक भी पहचानते हैं, अच्छा भी लगता है उनको। आई एम नॉट लाइक एनी अदर नेता, सॉरी आई एम नॉट लाइक एनी अदर नेता। हेमा मालिनी ये बात कहते हुए कि मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं कर सकती हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूं। बहरहाल आपको यहां भी एक बात बता दूं, आज शाम को 6 बजे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तब एक तस्वीर हेमा मालिनी की आई और उसमें से जो खबर निकल कर आई थी कि इनके चेहरे की खुशी बता रही है, इनको ये बता दिया गया है कि इनकी टिकट पक्की है, इनका टिकट नहीं कटने वाला है। प्रदीप जी, हेमा मालिनी को देखकर आपके जहन में कोई किस्सा जरूर आ गया। जी हाँ, पिछले चुनाव की बात है और अमित शाह की बातचीत हो रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के जो बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनसे। वो लोग जाटों के लिए 5 सीटें मांग रहे थे, अमित शाह 2 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे। आखिर में उन्होंने कहा अमित शाह को कि अमित शाह से बड़ा बनिया कोई हो नहीं सकता, अच्छा चलो 2.5 सीट पर मान जाओ। अमित शाह ने कहा 2.5 सीट का क्या मतलब, बोले मथुरा से हेमा मालिनी को दे दो, आधी जाट है धर्मेंद्र से शादी हुई है, इस तरह से उनका टिकट हुआ था। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो बिजली मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, हाँ। वो बहुत इंटरेस्टेड थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो चाहते थे टिकट, लेकिन 5 साल में हेमा मालिनी ने वहां जो काम किया है उससे उनकी छवि बड़ी अच्छी है मथुरा में। वैसे प्रदीप जी, मुझे जो चेहरा याद आ रहा है, हालांकि काम अगर उन्होंने किया है और पार्टी को ये पता लगा है, उनके लिए रिजल्ट पता लगे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक तस्वीर आपको पता होगी, जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो आगे आगे उनके जो बाकी कार्यकर्ता है वो झाड़ू लगा रहे थे और पीछे हेमा मालिनी जो है साफ सुथरी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। बिल्कुल, और कई बार ये भी रूबिका आरोप लगते रहे कि अपने संसदीय इलाके में बहुत कम दिखती है, इस तरह के भी इल्जाम लगे। खैर, राजनीति आरोप लगते ही है। पंकज झा का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बात जो हैरान करती है, जो तमाम नामों के ऐलान किए गए हैं उसमें कैराना को लेकर क्यों नहीं ऐलान किया गया, यहां पर क्या पेच फंसता हुआ आपको नजर आ रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कैराना में जो अभी उपचुनाव हुए थे और जिसमें तबस्सुम जीत गई थी और पार्टी की हार हुई थी, बीजेपी की बड़ी किरकिरी भी थी, उससे पहले गोरखपुर और फूलपुर हार गए थे। अब वहाँ पर सबसे जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है वो हुकुम सिंह की बेटी के बारे में कहा जा रहा है। पार्टी आखिरी फैसला नहीं कर पाई है कि वहाँ पर किसको लड़ाया जाए जो गठबंधन के उम्मीदवार को हरा पाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, उस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। इसीलिए कैराना के बारे में भी अभी तक कोई राय नहीं बन पाई है। बुलंदशहर में भी लेकर के एक बात है, कल्याण सिंह अपने किसी एक खास आदमी के लिए चाहते हैं, उस वजह से बुलंदशहर पर तय नहीं हो पाया है। नगीना के लिए भी यही बात है कि एक ऐसे उम्मीदवार की, अभी जो सांसद हैं उनकी उतनी बड़ी नहीं छवि देखी जा रही है कि वो जिताऊ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दूसरा नाम भी कुछ उस हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है पार्टी के खांचे में, तो इसीलिए इन 3 लोकसभा सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। अखिलेश, पंकज, ये 2 इंटरेस्टिंग चेहरे इस बार अमेठी में दिखने वाले हैं, राहुल गांधी और पिछली बार तो स्मृति ईरानी थी, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है? ये स्मृति ईरानी जो है वो मुझे लगता है पिछले 5 सालों में 500 मरतबा ऐसा मौके आए होंगे जब उन्होंने ये जताने और बताने की कोशिश की होगी कि देखिए मैं अमेठी में हूँ, देखिए मैं आ गई हूँ अमेठी के लोगों के लिए काम करने। जी हाँ, जब भी स्मृति ईरानी अमेठी जाती है ना तो एक बड़ा सा माहौल बनता है कि स्मृति ईरानी अमेठी गई हैं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं तो पूरे देश में उनको चुनाव प्रचार करना है, अब वो बात नहीं रही कि अमेठी में ही वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुकाबला इस बार दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी अभी पिछले ही महीने अमेठी गए थे, जब AK सीरीज की राइफल का जो सबसे मॉडर्न राइफल है उसके फैक्ट्री के वहाँ पर शिलान्यास के लिए गए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी वहाँ पर। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि तीसरा तो कोई उम्मीदवार है नहीं, समाजवादी पार्टी BSP गठबंधन का उम्मीदवार नहीं है। स्मृति ईरानी वहाँ पर लंबे अरसे पर जमी रहेंगी, उनके पास वो दिक्कत नहीं है जो राहुल गांधी के पास है। तो अमेठी हालांकि कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, रायबरेली और अमेठी, अब स्मृति ईरानी कितनी चुनौती दे पाती है, मुझे लगता है कि मुकाबला वैसे दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप पंकज कह रहे हैं मुकाबला दिलचस्प होगा, बीजेपी लगातार कह रही है इस बार हम अमेठी भी जीतने वाले हैं। प्रदीप जी, पिछले चुनाव की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा अंतर से हार गई थी स्मृति, आपको लगता है वाकई इस बार कोई करिश्मा हो जाएगा वहां? देखिए, करिश्मा होगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए इस बार जीतना। पिछली बार की उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान मुलायम सिंह यादव का था। गांधी परिवार की ओर से आखिरी 4-5 दिनों में
संदेश आया कि आपकी मदद की जरूरत है, और उन्होंने अपने लोगों को पूरी तरह से संसाधन के साथ अमेठी में लगा दिया था। इस बार उस तरह की दोस्ती नजर नहीं आती, हालांकि दोनों ने सीट छोड़ दी है, लेकिन चंद्रशेखर से मिलकर मायावती को जिस तरह से नाराज किया है कांग्रेस ने, उसके बाद मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी कोई मदद करेगी इसकी उम्मीद नहीं है। वो उम्मीदवार भले ही न खड़ा करें, वहां उनके खिलाफ कैंपेन भी नहीं करेंगे, लेकिन मददगार होंगे इसमें शक है। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए इस बार फाइट ज्यादा टफ होगी। पिछली बार स्मृति ईरानी नई उम्मीदवार थी, पहली बार अमेठी पहुंची थी। सामने 5 साल से वो लगातार जाती रही हैं अमेठी। ये तस्वीरें देखिए बड़ी दिलचस्प है, होली के दिन दिवाली का नजारा, ऐसा लगता है ये वो लोग हैं, उनके समर्थक हैं जिन्हें टिकट मिल गए, वो लोग आज दिवाली भी मना रहे हैं। पंकज, ये वही बात है कि होली के दिन दिवाली मनाएंगे जिनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे, और होली के दिन सिर्फ एक ही रंग देख पाएंगे, काला, जिनके नाम कट जाएंगे। जी हाँ, देखिए अभी जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा कि 16 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख 3 दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पिछले कई हफ्तों से कोशिश चल रही है और इस पर कि किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, उस पर गंभीर मंथन चल रहा है। तो जिसका टिकट बच गया है उसके लिए तो होली दिवाली दोनों आज ही हो गई ना, होली तो मना ही लिए हैं, अब दिवाली भी बन जाएगी जिसके टिकट हो गए हैं। जिसका कट गया उसके पास तो कोई विकल्प बचता नहीं, वो होली तो मना ही चुके हैं, दिवाली पता नहीं कैसी होगी उनकी। अच्छा पंकज, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, जिसे कहते हैं कि मेगा फाइट चुनावी तौर पर जिन जिन की होने वाली है, वो तस्वीर आपके सामने चल रही है, ये आपको देखनी चाहिए। आसनसोल से देखिए पश्चिम बंगाल की सीट से 29 अप्रैल को जहां पर चुनाव होने वाले हैं, बाबुल सुप्रियो वर्सेज मुनमुन सेन, जो टीएमसी की तरफ से यहां पर बीजेपी के मंत्री इस वक्त केंद्र में है, बाबुल सुप्रियो उनको कड़ी टक्कर देंगी। यहां पर बार बार दीदी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मेरी सीटों को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और प्रदीप जी, आप जानते हैं अभी जो सर्वे हुआ था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई थी, एबीपी न्यूज और सी वोटर का, उसमें यह था कि दीदी की जो सीटें हैं वो इंटैक्ट है, उसमें से एक सीट ना कम हुई ना ज्यादा हुई। अगर बीजेपी के खाते में सीट जा भी रही है तो वो टीएमसी और कांग्रेस की जा रही है। नहीं, इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है, बीजेपी ने पिछले 5 साल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों को अपोजिशन स्पेस से बाहर कर दिया है। अब बंगाल में लड़ाई सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच है, बीजेपी के वोट बढ़ेंगे लेकिन सीटें कितनी आएंगी ये कहना अभी मुश्किल है, कि एक थ्रेशोल्ड होता है उसके बाद कन्वर्ट होना शुरू होती है। नहीं, देखिए सवाल इसलिए प्रदीप जी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस ओर रूबिका भी इशारा कर रही थी कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं ये मान के चल रहे हैं कि अगर उन्हें यूपी में नुकसान होता है तो पश्चिम बंगाल वगैरह से भरपाई करेंगे, तो अगर सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो भरपाई होगी। नहीं देखिए, तीन जगह हैं जहां से बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और बंगाल जी। तो ये तीन राज्य हैं। देखिए बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, लेकिन कितनी सीटें बढ़ेंगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी जो दो पार्टियां हैं कांग्रेस और सीपीएम, उम्मीद थी कि शायद गठबंधन हो जाए, उनका गठबंधन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अलग अलग लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी, देखिए बीजेपी असेंबली में भले ही नंबर दो की पार्टी ना हो, वहां कोई स्थिति ना हो, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस में बीजेपी, एक सेकंड रोक रही हूँ, कोई वाराणसी से लड़ रहे हैं आप, कार्यकर्ता में उत्साह देख रहे हो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुरानी विधानसभा की सीट है और हमें पूर्ण विश्वास है पूर्ण बहुमत से ये सीट हम जीतेंगे और गुजरात की 26 से 26 सीट हम जीत कर देंगे। 26 सीटें जो हैं वो जीती थी 2009 में, सिर्फ और सिर्फ 15 जीते सीटें जो हैं वो उस पर जीत हासिल कर पाई थी। कुछ और बयान कार्यकर्ताओं के सुन लेते हैं। गांधीनगर लोकसभा के भाजपा के कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरव की बात है, वैसे भी ये परंपरागत राष्ट्रीय नेतृत्व की सीट रही है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी भी लड़े हैं, इसी सीट पे अभी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी सीट के मतदार, हम सबके बीच में जिन्होंने काम किया है, हम सबको जिनको मिलने से ऊर्जा मिलती है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे प्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम सबके लिए एक गौरव।
की बात है और पूरे गुजरात के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, सबको ऊर्जा मिलेगी और 2014 में जितनी यहाँ से लीड मिली थी उससे भी ज्यादा लीड से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से विजेता बन के पार्लियामेंट में जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से लड़ेंगे तो 26 में से 26 बार बनती है। बिल्कुल 26 में से 26 लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ लड़ने से निश्चित तौर पे 26 के 26 लोकसभा सीट की जो लीड 2014 में थी उससे भी ज्यादा लीड इस बार गुजरात में मिलेगी। अच्छा, ये होली का जश्न मनाया जा रहा है और उस बीच कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है। वही सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। रूपिका, देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, इसका एक बार फिर से जिक्र करना चाहिए हम लोगों को। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, होली है आज और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये गांधीनगर की जो तस्वीर है, चूंकि वहां कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आपने सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि 26 की 26 सीटें एक बार फिर से बीजेपी की झोली में डालेंगे। और गांधीनगर की बात कर ली जाए तो यहां तो रिकॉर्ड मतों से अमित शाह जीतेंगे, ये कार्यकर्ताओं का भरोसा है रूपिका। और ये तस्वीर जो दिवाली की है वही तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी के लिए आज शायद इतनी खुश ना करने वाली हो, लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जीवन का चक्का है, इसको इस रूप में देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन जो हैं रणदीप सुरजेवाला वो ये बात नहीं मानते। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अपने बुजुर्गों का जो सम्मान नहीं करती है पार्टी, वो जनता का आदर और सम्मान कर पाएगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक बार फिर से अमेठी, जहां 6 मई को चुनाव होने वाले हैं लोकसभा की, पहले ये ट्वीट देख लीजिए आप जो रणदीप सुरजेवाला ने कुछ देर बाद ही कर दिया जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। पहले श्री आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, अब उनकी सीट भी छीन ली गई है। उसके बाद वो लिखते हैं कि यही अगर रहा, जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे, वो जनता के विश्वास का आदर कहां करेंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने किया। और उसके बाद 6 मई को जहां अमेठी पर जंग होने वाली है, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन पंकज यहां पर हो जरूर गया है, लेकिन हर बार जो ताकत लगा देती थी अमेठी जितवाने के लिए, क्या इस बार वो ताकत लगाएगी कांग्रेस को जितवाने के लिए, क्योंकि मायावती बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी का मिलना उनको रास नहीं आ रहा है। देखिए, पिछली बार ही मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया था। प्रदीप जी जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो 16 आने सच है, जब लगने लगा राहुल गांधी को कि वाकई में, और सोनिया गांधी को खास तौर से लगा कि मुकाबला बहुत कठिन होता जा रहा है स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी का जीत पाना, तो फिर मुलायम सिंह यादव को फ़ोन किया गया था और उन्होंने बाकायदा, उस वक्त गायत्री प्रजापति थे वहाँ पर खनन मंत्री, और उनकी मदद से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया था कि राहुल गांधी को जिताने के लिए आप मेहनत करिए, और ऐसा हुआ भी। और पोलिंग के दिन मैं खुद अमेठी में मौजूद था उस वक्त, राहुल गांधी कई मतदान केंद्रों पर गए थे, उन मतदान केंद्रों पर जो नए वोटर थे मैंने देखा उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया था, ये बात सच है। और अब बहुत वक्त बहुत बदल गया, 5 सालों में स्मृति ईरानी वहाँ बार बार जाती रही हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में वो मधुर। अच्छा, हम स्मृति ईरानी का जिक्र कर ही रहे थे और स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया के जरिए, पंकज आई एम सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर जाती हूँ इसलिए क्योंकि फॉरन खबरें आती है और मुझे बताना पड़ता है, अमेठी से कमल खिलाकर संसद में बीजेपी को मजबूत करना मेरे लिए गर्व की बात होगी, अमेठी है तैयार। इससे पहले प्रियंका गांधी पर ठेठ वहीं की भाषा में उन्होंने कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अमेठी में कमल खिलाकर संसद में बीजेपी को मजबूत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यही बात पंकज, ये जो कॉन्फिडेंस है, और आप देखिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो अमित शाह हो, दो सीटों का खास करके जिक्र कर रहे हैं कि अमेठी और आजमगढ़, इस बार यहां भी हम जीतेंगे। इसके पीछे एक रणनीति भी है, दरअसल जो आप बात कह रही हैं उसी में सवाल में जोड़ दूं और पंकज से मैं चाहूंगा अगर उस पर प्रतिक्रिया दें। एक तरीके से राहुल गांधी को कांग्रेस के जो मुखिया हैं उन्हें वहां पर उलझाने की कोशिश है पंकज, ये कि अगर यहां पर इस तरीके की फाइट कर दें कि राहुल गांधी के लिए जीतना मुश्किल हो जाए तो वहां उलझ कर रह जाएंगे राहुल गांधी।
ये तो एक रणनीति है ही कि उनको वहीं उलझा कर रख दें हम। और जो दूसरी बात ये भी है जो रूबिका कह रही है, आप देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, अमित शाह कहते हैं कि 74 सीटें 80 में से 74 सीटें बीजेपी जीतेगी। योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा नाम लिया, अमेठी भी हम जीतेंगे इस बार, आजमगढ़ भी उनको लगता है कि आजमगढ़ से शायद अखिलेश यादव चुनाव लड़ लें, तो वो कहते हैं 75 सीटें जीतेंगे। इस बार वाकई मुकाबला कठिन हो सकता है, ग्राउंड से जो चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके से मायावती और कांग्रेस के बीच में संबंध खराब होते जा रहे हैं, तो वो तो अब बात रही नहीं कि इन दोनों ही पार्टियों की जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं वो कांग्रेस के लिए कोई अच्छा फील रखते हैं उनको जिताने के लिए, वो बात रहेगी नहीं। तो ऐसे हालात में ये मुकाबला राहुल गांधी को उलझाने के साथ साथ कहीं उनको फंसाने की भी है। प्रदीप जी, आपको ये लगता है? और भाई बार बार तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान होने वाला, और स्पेशली तब जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि दलित वोट जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत, अगर कोई किसी को करेगा एक मुश्त वोट करेगा, और इसीलिए सपा और बसपा जो है वो 93 के बाद यहाँ साथ आ गए। लेकिन क्या प्रदीप जी आपको ये लगता है कि 73 ऊपर जा सकती है पार्टी, या मुश्किल होगा वो 73? देखिए नंबर के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात ये समझनी चाहिए कि गठबंधन जो बनते हैं अर्थमेटिक से बनते हैं, तो इस गठबंधन के साथ भी अर्थमेटिक है, लेकिन गठबंधन सफल तब होते हैं जब गठबंधन के समर्थक मतदाता जो हैं उनकी केमिस्ट्री बनती है, मतलब वोट ट्रांसफर होता है। हाँ, वोट ट्रांसफर होगा क्या, एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि मायावती का आप देखें तो बेस लगातार गिर रहा है, 2007 के बाद से उनके जनाधार में जो गिरावट आ रही है वो कंटिन्यूअस है। यही रीजन आज है की कि तारीख वो चुनाव में नहीं लड़े। उन्हें जब आप गणित जोड़ते हैं तो हाँ। उनको दलितों के नेता के रूप में जोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ जाटवों की नेता बनकर रह गई हैं। तो बाकी दलित वोट जो है उनसे 14 में भी चिटक गया था, 17 में भी चिटका, और वो लौट आया है इसके कोई ऐसे संकेत नहीं है। एक बात दूसरी अमेठी की जो बात है, देखिए पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी के सांसद के तौर पर काम किया है, वो चुनाव हार गई, लेकिन वो हमको लगता है राहुल गांधी से ज्यादा बार अमेठी गई और अमेठी में परियोजनाएं लेकर गई, वहां के विकास के काम कराए, वहां के स्थानीय लोगों के निजी काम कराए। तो एक रेपो जिस तरह का उन्होंने बनाया जो 2014 में उनका नहीं था उस तरह से। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, यानी ये जो सियासी महाभारत होने जा रहा है 2019 का सबसे बड़ा मुकाबला, उसमें बीजेपी की तरफ से कौन चेहरे सामने होंगे उसके बारे में जानकारी मिल गई है। और ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गांधीनगर से आडवाणी की जगह वो चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, लेकिन उनके बेटे जरूर झालावाड़ से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, 6 जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। यह भी एक बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं, यूपी के कैराना, बुलंदशहर, नगीना के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, यानी यहां पेच फंसा हुआ है। जबकि मुंबई की बीजेपी कोटे वाली 3 में से 2 सीटों का ऐलान किया गया है, किरीट सुमैया वाली सीट पर अभी ऐलान नहीं किया गया है। तो यहां भी पार्टी के लिए फिलहाल दुविधा की स्थिति। स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी, यानी राहुल गांधी के सामने एक बार फिर से होंगी स्मृति ईरानी। बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, यह जानकारी दिया जेपी नड्डा ने, लेकिन स्टेट कमेटी को उनके नाम भेजे गए हैं, वहीं से वो नाम जारी किए जाएंगे, उसका ऐलान दिल्ली से नहीं किया गया। तो बीजेपी के बड़े उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी। रूबिका, देखिए इस वक्त की सारी बड़ी खबरें मेरे सहयोगी अखिलेश ने आपको बता दी है, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 2 महत्वपूर्ण नाम जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी, और मुझे लगता है कांग्रेस की तो ज्यादा टिकी रही होगी, उन दोनों के नामों पर कयास ये लगाया जा रहा था कि बुजुर्ग भी हो चुके हैं और इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो पहला नाम लाल कृष्ण आडवाणी का, जिसकी जगह पर अमित शाह जो है अब गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, और ये कहा जा रहा है गांधीनगर की से बकायदा जो बीजेपी के कार्यकर्ता
उनका उत्साह जो है दोगुना हो गया है कि 26 सीटों पर पहले क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने और इस 2014 में, और अब 2019 में जब खुद नरेंद्र मोदी के सिपे सालार अमित शाह वहां से चुनाव लड़ेंगे तो जो जो फासला है वोटों की जीत का वो और बढ़ जाएगा, इतने जो कॉन्फिडेंट में है वहां के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन ये यूपी के 6 सांसदों का जो टिकट कटा है, लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से, और 6 सांसदों का जो टिकट कटा है वो आपके सामने, संबल से सत्यपाल सैनी का टिकट कट गया है, आगरा से रामशंकर कठेरिया का टिकट कट गया है, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल का टिकट कट गया है, शाहजहांपुर से कृष्णाराज जो कि मंत्री भी है उनकी जगह अब अरुण सागर को टिकट दिया गया है, हरदोई से अंशुल वर्मा की जगह जयप्रकाश रावत अब चुनाव लड़ेंगे, और मिश्रिख का भी टिकट अंजू बाला का कट गया है, अशोक रावत उनकी जगह अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी ये 28 सीटें थी, 28 में से 26 जो है वो बीजेपी के हाथ में थी और उन 26 में भी 6 जीते हुए सांसदों का टिकट काटा गया है। तो आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में 12 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, 11 तारीख माफ कीजिएगा 11 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें फेज 1 की 8 सीटें हैं, कैराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, वो भी तब जब तबस्सुम हसन जो है एसपी बीएसपी की तरफ से उसके नाम का ऐलान हो गया है, और दूसरा कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद का हरेंद्र मलिक का जो नाम है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन कैराना पर यह कहा जा रहा है कि हुकुम सिंह की बेटी के नाम पर अभी भी बातचीत चल रही है। सेकंड फेज 8 सीटें, और ये देखिए नाम पर अभी भी सहमति या नाम तय नहीं है, बीजेपी की वो लिस्ट आपके सामने आपको नजर आ रही है, नगीना, बुलंदशहर और हाथरस, ये वो 3 जगह है जहां पर अभी भी नाम तय नहीं हुए हैं। प्रदीप जी आप क्या मानेंगे कि ये अभी भी विनिबिलिटी की वजह से नाम तय नहीं हुए हैं? अब बिल्कुल देखिए, पहले माना जा रहा था कि शायद हुकुम सिंह की बेटी को मृगांका सिंह जो है उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन लगता है पार्टी में पुनर्विचार हो रहा है कि उनको उनको टिकट फिर से देना चाहिए या न देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो विकल्प कौन हो, किसको खड़ा किया जाए वहाँ, क्योंकि देखिए वो सीट ऐसी है बीजेपी उसको सिर्फ 2 बार जीती है, 1 बार जनता पार्टी के समय जीती थी और फिर जो है 3 बार बल्कि कहें, एक 98 में जीती थी, उसके बाद अभी 2014 में जीती थी। वहां का सामाजिक समीकरण ऐसा है जो बीजेपी के अनुकूल नहीं है, इसलिए बीजेपी वो लगातार सीट हारती रही है। तो इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि बाई इलेक्शन में वो सीट हारी है, फिर से हासिल करना चाहेगी, तो बीजेपी उसमें कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती कि उम्मीदवार बाद में पता चले कमजोर निकला। ये बदाऊ की तस्वीर अभी चल रही है, कितनी इंटरेस्टिंग आप लड़ाई ये देखते बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है। देखिए बीजेपी को संघमित्रा मौर्य के रूप में एक अच्छी महिला नेता और इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग से आने वाली, ये दोनों चीजें एक साथ है, और ये बदायूं की सीट ऐसी है जो बीजेपी मोदी लहर में भी नहीं जीती थी, और यहां से कांग्रेस ने सलीम शेरवानी को टिकट दिया है जो वहां के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। तो और मुलायम सिंह के परिवार के पास, धर्मेंद्र यादव के पास ये सीट है, वहां से वो सांसद है, तो ऐसे में लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये ट्रायंगुलर फाइट जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अच्छा उम्मीदवार देने से कई जगह जो ट्रायंगुलर फाइट होने की उम्मीद है उनमें से एक सीट है जहां जो है तिकोना संघर्ष होगा, और उसमें किसी के लिए भी जीतना जो 30-32% वोट ले जाएगा वो जीत सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर हम दिखाते हैं, ये बदायूं का हमने जिक्र कर लिया, और जहां जहां पर मतलब वो राजनीतिक लड़ाई, वो चुनावी लड़ाई जिस पर आपको वाकई नजर रखनी चाहिए, एक वोटर होने के नाते भी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी, एबीपी न्यूज आपको बकायदा बता रहा है वो कौन कौन सी। तो बदायूं आपने देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, और ये देखिए आप, ये बदायूं के 2014 के नतीजे हैं, बीजेपी को 32% यहां पर वोट पड़ा था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 64% जो है वोट यहां पर पड़ा था, और कांग्रेस को महज 1%। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़े थे और इसीलिए तो साथ आने का फैसला किया है, ये 64% है प्रदीप जी जिसकी वजह से ये लोग साथ आए हैं, कांग्रेस को 1%। तो ये तबस्सुम, ये तो बदायूं वाला, पहले आप बदायूं की बात कर ले फिर मैं कैराना पर आऊंगी। नहीं देखिए कांग्रेस को 1% मिला था, कांग्रेस की हालत उस समय बहुत खराब थी, अब भी खराब है, लेकिन जो कैंडिडेट दिया है वो वोट काटेगा तो महागठबंधन के वोट कटेंगे। क्योंकि देखिए गठबंधन के पीछे एक सोच ये थी कि एक मुश्त मुस्लिम वोट इस गठबंधन को आएंगे, उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा।
कांग्रेस ने सलीम शेरवानी के रूप में एक विकल्प पेश कर दिया है। अब उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन ये नहीं कह तो सकते कि उनको मिलेगा। सात सीटों में से नहीं है, प्रियंका गांधी ने जो सात सीटें हम छोड़ेंगे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए, क्योंकि उसमें तो नहीं, ये जानकारी मिली थी कि यादव परिवार जो है उनकी सारी सीटों पर कांग्रेस ने ये कह दिया है कि हम शिष्टाचार निभाएंगे। नहीं नहीं, सारी सीटों पर नहीं कहा है, उसमें से ये बदायूं वाली सीट नहीं है और इसीलिए उनका बहुत पावरफुल चेहरा जो है वहां पर उतार दिया है। ये बागपत को जो 11 अप्रैल को चुनाव होने वाला है सतपाल सिंह और जयंत चौधरी के बीच में, प्रदीप जी इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी है और जयंत चौधरी जो है पिछली बार मथुरा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे और इस बार वो बागपत गए हैं जो चौधरी चरण सिंह का पुराना गढ़ रहा है। वहाँ एक बड़ी एक किस्सा चलता है, सुनाया जाता है कि जब जिताना होता है अजीत सिंह को, पहले अजीत सिंह जब लड़ते थे तो बड़े बुजुर्ग जो चौधरी हैं गांव के वो कहते थे, बड़े चौधरी सपने में आए थे, वो कह रहे थे छोरे को जिता दियो, तो जाटों का वोट जो है अजीत सिंह को चला जाता था। तो अब उनके उनके पोते के लिए सपने में आएंगे कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं वहां गया भी था, लोग कहते भी थे उस दौरान जो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में मैं गया था तो लोग ये कहते थे कि सपने में आते हैं चौधरी साहब और वो अपील करते हैं और एकाएक रातों रात लोगों का मिजाज बदल जाता है और वोट डाल देते हैं। सवाल ये कि इस बार आपको लगता है कि ये कुछ कमाल दुष्यंत कर पाएंगे जिस तरीके से उनके सामने सत्यपाल हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके पीछे एसपी बीएसपी है, ये समीकरण किस तरीके से बीजेपी भारी पड़ सकता है फिर? नहीं देखिए पिछली बार की तुलना में मतलब कहें सीट बदल गई है भले ही, लेकिन जयंत के लिए स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर है। जयंत जी क्योंकि हाँ तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और वहां, लेकिन एक बात है कि बालाकोट के बाद वेस्टर्न यूपी में स्थिति बीजेपी के पक्ष में गई है। जाटों की जो नाराजगी थी वो बालाकोट के ऑपरेशन के बाद वो उसमें एक परिवर्तन आया है, लेकिन वो कैसे परिवर्तन परिवर्तन आया है कि जो एक्शन किया सरकार ने वो राष्ट्रवाद की भावना के कारण, आप देखिए वहां से लोग बता रहे हैं गांव-गांव में प्रभात फेरी निकल रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं जो ज्यादातर स्वतः स्फूर्त है, कुछ बीजेपी के लोगों का किया हुआ भी है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन जयंत चौधरी खुद जाट है, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, तो वो एक इमोशनल फैक्टर निश्चित रूप से काम करेगा। उसके अलावा सपा बसपा का वोट कितना ट्रांसफर होता है उनको, इस पर निर्भर करेगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात रूबिका यह है कि पिछली बार भी चुनाव में हमने यह देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तमाम उम्मीदवार जीते थे 2014 में, यह बड़ी सच्चाई है। तमाम जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उनको आप छोड़ भी दीजिए तो मोदी सबसे बड़े चेहरे थे और फिर से वो वाराणसी से हैं चुनावी दंगल में, तो इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बार फिर से यूपी में, ऐसा लग रहा है प्रदीप जी? हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए कोई बड़ा नेता जैसे गांधीनगर से अमित शाह को खड़ा करने का एक एक पर्पज ये भी है कि भाई वहां गुजरात में मोदी के जाने के बाद और अब लालकृष्ण आडवाणी भी नहीं है तो कोई बड़ा कद्दावर नेता जो है वो राज्य से नहीं था, लेकिन अमित शाह के जाने के बाद वो स्थिति बदलेगी। उसका सबसे ज्यादा असर मतदाताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, उसका फायदा पार्टी को मिलता है। तो प्रधानमंत्री अगर लड़ रहे हैं बनारस से फिर से तो इसका मतलब है पूरे प्रदेश पर असर पड़ेगा। आपको प्रदीप जी एक सेकंड रोक, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान के और जयपुर ग्रामीण के, उनको धन्यवाद देता हूं और यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका जो समर्थन, उनका जो प्यार था वो दिल्ली तक वो दिखा। लेकिन सर अगर जमीनी हकीकत देखें तो आप लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, घर घर जाके लोग आपसे भी बात करते हैं, लोगों ने भी आपके ऊपर पूरा विश्वास जताया, तो इस विश्वास को आप कैसे अब देखते हैं, क्योंकि अब जनता के ऊपर कई बार देखा गया है वोट में तब्दील करने में काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति के अंदर एक ही परिवार के या परिवार से चलती हुई डायनेस्टी राजनीति चल रही थी, उससे जो मेरिट पे जो काम करते हैं, जिनमें काम करने की क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये जो बड़ा बदलाव आया है ये पिछले 5 साल में दिखाई दे रहा है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े एक संकल्प के साथ, क्योंकि उनमें हम एक विजनरी लीडर देखते हैं, उनमें एक हमें ऐसा लीडर दिखता है जो इस देश को वाकई में बदल के रख सकता है, मजबूत बना सकता है। तो अब एक संकल्प लेकर हम सब जुड़े हैं और वो संकल्प है इस देश को मजबूत करना, और देश को मजबूत करने का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति को मजबूती पहुंचे, हर गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसको मजबूती पहुंचे, गांव के अंदर जो महिला
तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को इस वक्त आप सुन रहे थे। आप जानते हैं जयपुर रूरल से जो हैं पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार भी लिस्ट में उनका दूसरे या तीसरे नंबर पर ही नाम आया और थैंक यू करते हुए मोदी सरकार को भी, मोदी जी और अमित शाह को कि उन्होंने चूज़ किया, कार्य जो चुनाव समिति उन्होंने उनको चूज़ किया है। बहरहाल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं बीजेपी की ये पहली लिस्ट, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो 73 सीटें बीजेपी के दामन में और झोली में जनता ने डाली थी उसी की वजह से और उसी बिना पर केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये 73 अब ये होल्ड कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं अखिलेश, जब वो ये कहते हैं कि इस बार आप देखिए बालाकोट के उस एयर स्ट्राइक के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी का बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर शायद आ रही है, हमें वो बतानी चाहिए, इलेक्शन ब्रेकिंग है। बड़ी खबर ये कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो सुबह 11 बजे होगी। आज 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, कल संसदीय बोर्ड की बैठक है और माना यह जा रहा है कि कोई अहम फैसला इसमें लिया जा सकता है कल सुबह 11 बजे का वक्त जब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल 11 बजे होगी और उम्मीद यह की जा रही है कि कुछ बड़ी खबर यहां से आ सकती है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि आज 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और कुछ और ऐलान इसका मतलब साफ तौर पर यह हम अंदाजा लगा सकते हैं रूबिका कि कल हो सकते हैं चूंकि 11 बजे बैठक है। वैसे प्रदीप जी बहुत इंटरेस्टिंग था इस बार जो ये तीन बैठकें हुई चुनाव समिति की और संसदीय बोर्ड की, तो कल सुबह 11 बजे होगी, रात को एक एक दो दो बजे तक मंथन चल रहा है और फिर वो तस्वीरें भी बकायदा जो है वो देश को दिखाई जा रही है और होली के दिन वापस ये बताने की कोशिश कि देखिए साहब हम 364 दिन काम करते हैं, हम 2400 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए त्यौहार नहीं, हमारे लिए हर दिन त्यौहार है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है परसेप्शन नैरेटिव। देखिए ये मोदी और अमित शाह के काम करने के स्टाइल है, इसमें आप नितिन गडकरी को भी जोड़ लीजिए, उनके मंत्रालय में चले जाइए तो आधी से ज़्यादा मीटिंग्स वो रात में 11 बजे 12 बजे करते हैं। जब वो पार्टी अध्यक्ष थे तो 11 बजे के बाद बैठक शुरू ही होती थी पार्टी की बैठकें, तो ये अलग अलग नेताओं का अपना काम करने का तरीका है। तो ये लोग जो है बाकी काम दिन का जो है निपटा लिया, उसके बाद जो है बैठकर इस पर चर्चा हो रही है, उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो देर तक काम करके इसको निपटाना, मतलब आप देखिए 11 तारीख को पहले उसके चरण की वोटिंग है। जी अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, दरअसल खबर यह है कि बीजेपी चुनाव समिति की कल 11 बजे बैठक होगी। इसका सीधे तौर पर आप मतलब ये निकाल सकते हैं कि कुछ और नामों का ऐलान कल हो सकता है। आज 184 नाम सामने आए हैं बीजेपी की पहली लिस्ट में, कल 11 बजे बैठक होगी। विकास भदौरिया मेरे साथ इस बीच जुड़े हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। विकास, कल भी कुछ नामों का ऐलान हो सकता है फिर तो? जी हाँ बिल्कुल, देखिए कल मध्य प्रदेश के टिकटों के पर चर्चा होगी, उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, उसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन पर चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी बची हुई सीटों पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद कल शाम को संभवतया दो बजे या 4 बजे के आसपास कुछ सीटों का अनाउंसमेंट होगा, कुछ उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट होगा जिनमें उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली के उम्मीदवार हो सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, बीजेपी के 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और अब खबर यह है कि कल शाम 4 बजे बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान होना है, होटल मौर्या में यह बैठक होगी। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। प्रशांत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए अखिलेश, आपको याद होगा कल 2 दिन पहले जब तेजस्वी यादव यहाँ से दिल्ली से पटना जा रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि संभवतः 22 तारीख को, जो इतने दिनों से इंतजार हो रहा है कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टी कितने सीटों पर और कहाँ कहाँ लड़ेगी, इसका ऐलान 22 तारीख को किया जाएगा। तो अब हमें ये जानकारी मिली है कि कल शाम को 4 बजे वहां पर होटल मौर्या में पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सभी पार्टियों की तरफ से, जो जो पार्टियां महागठबंधन में शामिल है और सभी पार्टियां मिलकर इस बात का ऐलान करेंगे। शाम 4 बजे का ये जो टाइम है प्रशांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी आज बीजेपी ने ऐलान तो कर दिया, ऐलान नहीं किया, उम्मीदवारों के नाम तो तय कर लिए लेकिन जो बिहार की इकाई है उसे सौंप दिए गए हैं। और आपको इस वक्त ये जानना भी जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण
जिसको बार बार बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। इनफैक्ट कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग भी लिखा था परिवारवाद को लेकर, प्रियंका गांधी पर और गांधी परिवार पर निशाना साधा था। लेकिन आप ये लिस्ट देखिए, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं छूटी है, बीजेपी भी नहीं। प्रदीप जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि पहले कांग्रेस पर आरोप इसलिए लगता था कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही, आजादी के आंदोलन की पार्टी है, तो उसमें ऐसे नेताओं की भरमार थी जिनका जनाधार था, जो लंबे समय तक राजनीति में रहे, तो उनके बच्चे परिवार के लोग भी आए। अब जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बीजेपी उसमें सब कांग्रेस के बाद। आप कर रहे हैं ना, ये वो लिस्ट है, ये सियासत का परिवार जो है, कांग्रेस है, एनसीपी तो, है इसमें लेकिन मैं परिवारवाद और वंशवाद में फर्क करता हूँ। देखिए, परिवारवाद ये है कि आपके परिवार का कोई सदस्य, उसको आपने सीधे एंट्री दिला दी, टिकट दिला दिया। अब जीतना, जीतेगा हारेगा ये जनता पर है। वंशवाद ये है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट से आप पार्टी में आपका पद तय हो गया, और अगर आप हारते भी रहे तभी आप ही आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हारते हैं जीतते हैं। लेकिन अगर अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सिवा और कोई हो सकता है? शिवसेना में ठाकरे परिवार, शिवसेना में ठाकरे परिवार, आरजेडी में देखिए, अकाली अकाली दल की आप बात कर लीजिए, कोई और हो सकता है उसमें। तो ये, और इसीलिए परिवारवाद पर जब बीजेपी निशाना साधती है तो इन सारे गठबंधन के साथियों को मेरे ख्याल से अखिलेश भूल जाती है। ये बीजेपी में परिवारवाद की तस्वीर, और सिर्फ बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी है। और यही परिवारवाद आप देखेंगे, कन्याकुमारी पहुंच जाइए कश्मीर से लेकर, वहां भी आपको यही परिवारवाद साफ तौर पर नजर आने वाला है, वंशवाद भी इनफैक्ट इसमें नजर आने वाला है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि विरासत की जो सियासत है हर जगह हावी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे चर्चा में।